नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ हरसिमरन कौर। लखनऊ दिव्यांग जन हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सीआरसी लखनऊ के छात्रावास एवं पुनर्वास भवन का किया गया उद्घाटन। आपको बताते चले कि समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रांगण में पुनर्वास एवं छात्रावास भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री अंजलि भावना, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं डॉक्टर प्रमोद सेठ, संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत डॉक्टर हिमांशु दास, निदेशन NIPVT देहरादून एवं PDUNIPPD नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज़ादी के 65वें वर्ष पर हम सभी मिलकर अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में सीआरसी लखनऊ के इस पुनर्वास एवं छात्रावास भवन का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज के दिवस पर मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान नई दिल्ली तथा सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर प्रबोध सेठ ने कहा कि यह पुनर्वास एवं छात्रावास भवन लगभग 16 करोड़ की लागत से 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है। इस भवन में कुल 140 कमरे हैं। ये भवन पुनर्वास सेवाओं के साथ साथ सुगम वातावरण में दिव्यांगजनों हेतु शैक्षणिक सुविधाओं को प्रदान करेगा। भवन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तथा उनके अभिभावकों एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आने वाले प्रशिक्षणार्थी को प्रवासी सुविधा उपलब्ध कराएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सचिव अंजलि भावना ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं के साथ साथ उचित ठहरने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली एवं मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त प्रयास से संचालित CBID प्रशिक्षण आत्मक कार्यक्रम के प्रथम सत्र के 14 केंद्रों के छात्रों के साथ आवासीय संवाद माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में किया गया। इस प्रशिक्षण आत्मक कार्यालय से तैयार विशेषज्ञों द्वारा संपूर्ण देश में रह रहे दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक दिव्यांग मित्रों की कमी को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर पधारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सभी गणमान्य जनों का ज्ञापन भी रमेश पांडे, निदेशक सीआरसी लखनऊ के द्वारा किया गया। एफटी लाइव के लिए रामकिशोर यादव की रिपोर्ट।